अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू भावल नगर पोल्ट्री गाइड। आज हम बात करेंगे परिंदों के माहौल के बारे में कि परिंदों की नशोनुमा के लिए माहौल कितना ज़रूरी है। वो परिंदे जो मुसलसल 24 घंटे पिंजरों के अंदर बंद रहते हैं या पोल्ट्री फार्म के अंदर रहते हैं, उनको खुली और ताज़ा हवा नहीं मैसर, उनकी ग्रोथ किस हिसाब से होती है, और वो परिंदे जिनको कुदरती माहौल दिया जाता है वो किस तरह से नशोनुमा करते हैं। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि जिनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परिंदे हैं और उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि परिंदों को खुली हवा दी जाए, तो वो फार्म के अंदर ही किस तरह से इंतज़ाम कर सकते हैं कुदरती माहौल देने का, वो ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं कि परिंदों के लिए कुदरती माहौल किस कदर अहमियत का हामिल है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक उन्होंने एक सर्वे किया और उस सर्वे की समरी ये है कि ऐसे परिंदे जो केज के अंदर बंद रहते हैं 24 घंटे और उनको नेचुरल इन्वायरमेंट मैसर नहीं होता, उनकी नशोनुमा पे असर तो पड़ता ही है, उनकी सेहत पे जो असर पड़ता है वो तो पड़ता ही है, और वो ऐसे परिंदे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और अगर हम बात करें फैंसी बर्ड्स की, मुर्गियों की बात करें, तो उनकी एग प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जोलॉजिस्ट का कहना है कि ऐसे परिंदों में एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी उनके जो बच्चे निकलते हैं उनमें पाँव का टेढ़ा होना और इस किस्म की बहुत सी बीमारियां देखने में आई हैं। तो आप जो हैं, आप लोग अपने परिंदों को नेचुरल इन्वायरमेंट दें, बेशक डेली 1 से 2 घंटे जो हैं, वो लोग जिनके पास कम क्वांटिटी में परिंदे हैं वो लाजमी जो है अपने परिंदों को कुदरती माहौल दें और उनको खुली फिज़ा में छोड़ा करें। और ऐसे लोग जिनके बहुत बड़े फार्म हैं और उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो वो ये कर सकते हैं कि अपने फार्म के अंदर गमलों में पौधे लगा के थोड़े थोड़े वक्फे से रख दें, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है परिंदों की प्रोडक्शन पर। और परिंदों को डेली बेसिस पे नेचुरल फूड का भी उनका इंतज़ाम होना चाहिए, जैसे मुर्गियां हैं इनको पालक वगैरह जो है वो देनी चाहिए। जितना आप अपने बर्ड्स को खुश रख सकते हैं वो खुश रखें, उससे उनकी प्रोडक्शन में, मीट प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन में बहुत तेज़ी से इजाफा होता है। हमारे चैनल पे इस किस्म के बेशुमार टिप्स जो ऑलरेडी हमने अपलोड किए हैं, मुर्गियों की बीमारियों के हवाले से वीडियो बनाई हुई हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। और इस किस्म के अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, उस पे हम फिर फर्दर वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन देते रहेंगे। तो चलें जी, आज के लिए यही था, और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।